हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगिता। आज हम व्याकरण का जो है शब्द रचना का लेसन करेंगे। तो व्याकरण के अंक कितने हैं? व्याकरण के अंक हैं तीन, वर्ण, शब्द रचना और वाक्य। वर्ण क्या होता है? हमने पहले पढ़ा है, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके, जैसे क, ख, ग, घ। और शब्द रचना, शब्द रचना होता है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इन वर्णों को मिलने से क्या हो जाता है? शब्द बन जाता है, जैसे बस आदि। और वाक्य जो हमारा तीसरा अंग है, वाक्य शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है। तो आज हम इस लेसन में शब्द रचना पढ़ेंगे। शब्द रचना के दो भाग हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द कौन से होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कि कलम, अनार। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना निकले। आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। निरर्थक शब्दों का जो इस्तेमाल है, हम सार्थक शब्दों के साथ मिलकर ही करते हैं, नहीं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे है ये कपड़ा वपड़ा, रोटी शोटी। तो इसमें कपड़ा तो सार्थक शब्द है, लेकिन जो वपड़ा है उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वो निरर्थक शब्द है। अब हम सार्थक शब्द के बारे में आगे पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसके पांच भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। रचना के आधार पर तीन भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर चार भेद हैं। एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो इस उत्पत्ति के आधार से हमारे ये पांच भेद हैं इसके। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। इनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्प, ग्रह, रात्रि, सूर्य आदि। दूसरे हैं तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो वो तत्सम शब्द होते हैं, जैसे सांप, घर, रात, सूरज आदि। और देशज शब्द होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? जिनका अर्थ है देश का अर्थ है, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। ये ऐसे शब्द हैं जिनका विकास स्थानीय स्तर पर हुआ है, हमारे अपने ही भारत देश में हुआ है। इन्हें किसी भाषा से नहीं लिया गया है, ये आम बोलचाल से हिंदी में विकसित हुए हैं, जैसे पगड़ी, थाली, रोटी, डिबिया आदि। फोर्थ है हमारा विदेशी शब्द। ये शब्द दूसरे देशों की भाषाओं में से हिंदी में आकर मिल गए और जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करने लगे, ये हमारी भाषा में मिल गए, जैसे डॉक्टर, खबर, जरूरत, लाश। ये जो है ये अलग-अलग भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, संकर शब्द। अब जो ये संकर शब्द है, ये दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे हवा और दार। हवा जो है शब्द, ये हिंदी का है और दार फारसी का, तो इससे क्या बना? हवादार। रेल,
जो शब्द है अंग्रेजी का है, और गाड़ी हिंदी का रेलगाड़ी। मांग पत्र, मांग हिंदी का शब्द है और पत्र जो है वो संस्कृत का है, तो मांग पत्र बन गया इससे। बीमा अरबी का है और पॉलिसी है वो अंग्रेजी का, तो बीमा पॉलिसी से शब्द बन गया। अब है रचना के आधार पर शब्दों के हमारे तीन भेद हैं। रचना रूढ़ शब्द पहला है उसका, रूढ़ शब्द। ये शब्द ऐसे हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तोड़ने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, जिसके आगे कोई उपसर्ग ना लगा हो, जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ये शब्द मूल शब्द होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको इसकी पहचान करने में आसानी हो जाएगी कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। जैसे अब इसमें दिया हुआ है फल, सेना, मेला। अब घेरे घर जो है, अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो इनका कोई वर्ड अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर इसको मिला देते हैं तो घर इसका अर्थ बन जाता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? ये शब्द ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, जिनका संधि विच्छेद हो सकता है और उनका अर्थ एक ही रहता है। जब हम उनका संधि विच्छेद कर देते हैं तो उसका अर्थ नहीं बदलता, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठशाला। अब पाठशाला जो है इसमें पाठ और शाला, शाला मतलब जहाँ पढ़ाई होती है, और पाठ जहाँ पाठ पढ़ाए पढ़ते हैं, और विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्या जहाँ में पढ़ाई मिलती है और आलय जहाँ पढ़ाया जाता है। अगर इनको अलग अलग करते हैं तब भी मीनिंग वही निकलता है, और जब हम इनको जोड़ते हैं तब भी मीनिंग वही सेम रहता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय। अब थर्ड है हमारा योगरूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो होते हैं पर उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकल कर विशेष अर्थ निकलता है। दो शब्दों को जोड़ने से तीसरा शब्द बनता है, तीसरा अर्थ निकलता है, और उसका अर्थ भी क्या होता है, तीसरा निकलता है। दोनों शब्दों को जब जोड़ देते हैं तो उसका तीसरा डिफरेंट अर्थ निकलता है। जो शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन जिनका संधि विच्छेद न किया जा सके, ऐसे शब्द क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, अब ये पंकज शब्द दिया है, तो पंक जमा ज पंकज। अब पंकज का मतलब क्या होता है, कीचड़ में उत्पन्न वाला अर्थात कमल। दश आनन, दश आनन किसके लिए हम यूज़ करते हैं, रावण के लिए, क्योंकि उसकी 10 आँखें थी। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, जैसे कि लंबा उदर, लंबोदर। लंबा उदर किसका होता है, गणेश जी का। अब आगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, चार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो तो वो एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, नल, कुर्सी आदि। अनेकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, अर्थ उसके अनेक हो, ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक, उसका अंक का मतलब गोद भी होता है और संख्या भी होता है। कर, हाथ भी होता है और टैक्स भी। पत्र, इसका मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी। अब है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, एक ही शब्द के अलग अलग नाम हो, मतलब शब्द तो वही हो लेकिन नाम उनके अलग अलग हो जाएं, तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, अब कमल है इसका है जो पर्यायवाची क्या है, सरोज, पंकज, नीरज। इनका अर्थ तो सेम है लेकिन नाम इनके अलग अलग हैं। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। विलोम शब्द, इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि
ये एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टा होते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं ये, जैसे कि अच्छा बुरा, काला गोरा, कायर वीर, अमीर गरीब। अप्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर हमारे शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द प्रयोग के अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं। इन शब्दों के रूप में लिंग वचन के कारण विकार या परिवर्तन आता है, तो ये क्या होते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब इसमें चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरे हैं अविकारी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार अपना अर्थ नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये जैसे है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। अब ये इसमें क्या आता है, देखो क्रिया विशेषण में जैसे धीरे धीरे, ऐसे जो क्रिया की विशेषता होती है वो आएगी इसमें। और संबंध बोधक में जैसे आज तक, दिन भर। और समुच्चय बोधक, जहाँ पर दो चीज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे किंतु, परंतु। और उसके बाद है विस्मयादि बोधक, जिसमें क्या हम क्या लगाते हैं, अरे, हरे, हो, हे आदि। तो इस प्रकार अब शब्द रचना मैंने आपको करवा दिया। निरर्थक जो शब्द हैं उसके बारे में भी आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये हमारा लेसन अब कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।